बस संभल के चंदौसी में लॉकडाउन के दौरान कोतवाली पुलिस ने 5 पेटी सैनिटाइजर के साथ युवक को पकड़ा। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान एक युवक को 5 पेटी सैनिटाइजर के साथ पकड़ा। जब पुलिस ने युवक से बिल मांगा तो वह बिल नहीं दिखा पाया। उसके बाद पुलिस ने जब सैनिटाइजर को चेक किया तो उसकी शीशी पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख और एक्सपायरी की तारीख तो मौजूद थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले स्थान की जगह पर किसी भी जनपद का नाम नहीं लिखा था, जिसके बाद पुलिस ने सैनिटाइजर को जब्त करके कोतवाली भिजवा दिया। इस विषय में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जब्त सैनिटाइजर को ड्रग इंस्पेक्टर से जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एमआरपी सर 50 रुपये। और मार्केट में कितना बिक रहा है? मार्केट में सर 45 रुपये, 40 रुपये, 40-45 रुपये बिकता है। कहाँ से कहाँ बन रहा है सर? इसकी कंपनी की तो मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ पे मार्केटिंग में करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव। राजीव, कहाँ लेके जा रहे थे आप और कहाँ से लाए? बैजू से लेके आए, अलका मेडिकल स्टोर। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलका मेडिकल स्टोर, उनका कार्ड है। वो भैया हैं, उनके यहाँ का काम वो देखते हैं। तो कितनी पेटी लाए आप यहाँ पे? 5 पेटी लेके आया हूँ सर। अभी चंदौसी नगर में लॉकडाउन का पालन कराने हम लोग निकले, थाना चंदौसी इंस्पेक्टर के हमला सहित। घंटाघर चौराहे पे एक व्यक्ति 5 डिब्बा लेके जा रहा था, उसको रोका गया, चेक किया गया, उसको खुलवा बताया कि इसमें सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर का खोल के जब देखा गया तो उसमें लेबल लगा है, उसमें मैन्युफैक्चर का भी डेट है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी है, लेकिन उसमें जो पता है उसमें किसी ज़िले का नाम नहीं है, बस RG रोड लिखा है। इससे कुछ शक हुआ हो उसको थाने पर भेजा गया है, इसको हम ड्रग इंस्पेक्टर चेक कराएंगे, ये सही है क्या है, फिर आगे। क्या बिल था उस पर? बिल नहीं था उसके पास, बिल मांगा गया तो उसे कहा बिल नहीं मिला है। इस शक के आधार पर हम लोगों ने इसको कोतवाली भेज दिया है, आगे इसकी जांच करके ही कोई कार्रवाई की जाएगी।